नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के के बारे में, जो गुलाम भारत के ऐसे पहले डायरेक्टर थे जिन्होंने फिल्म बनाने के लिए अपनी जायदाद और अपनी पत्नी के सारे जेवर गिरवी रख दिए। दादा साहब फाल्के के नाम से आज भी हिंदी सिनेमा जगत में अवार्ड दिया जाता है, लेकिन दादा साहब फाल्के को कभी भी कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। दादा साहब फाल्के को फिल्म बनाने का इतना जुनून था कि वो वैश्याओं से तक एक्टिंग कराने के लिए तैयार थे, लेकिन वैश्याओं ने भी उनकी मूवी में काम करने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक लड़के को हीरोइन का रोल दिया। दादा साहब फाल्के के बारे में बताया जाता है कि जब कोई महिला नहीं होती थी तो वो खुद साड़ी पहनकर लड़के और लड़कियों को एक्टिंग सिखाया करते थे। दादा साहेब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के नासिक में एक पुजारी के घर हुआ था, जो आगे जाकर भारतीय सिनेमा का जनक बना। उनकी करियर की शुरुआत डायरेक्शन से नहीं, बल्कि पहले उन्होंने पेंटिंग और फोटोग्राफी सीखी, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला तो वो एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करने लगे। इसके बाद वो मुंबई से सीधे गोधरा पहुंचे। गोधरा जाने से पहले उनकी शादी हो चुकी थी। गोधरा में वे अपना हाथ आजमा ही रहे थे कि सन 1900 में गोधरा में फिलिप फ्लैग में उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। इसके बाद फाल्के साहब अकेले हो गए। इस वजह से वो बड़ौदा आ गए, लेकिन यहाँ भी उनका काम नहीं चला तो फिर वो वापस बॉम्बे लौट आए। सन 1909-10 में उनके मन में एक बार फिर फिल्मों के प्रति रुचि जागी तो उन्होंने फिर फिल्मी दुनिया में हाथ आजमाने का सोचा। उस समय भारत में ब्रिटिश मूक फिल्मों का चलन था। इसी से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने भी फिल्म बनाने का निर्णय किया। इसके लिए दादा फिल्म मेकिंग सीखने के लिए लंदन गए और 2 महीनों बाद लौटे। मुंबई लौटने के बाद दादा साहेब ने फाल्के फिल्म कंपनी बनाई और अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र तैयार की। अगर बात की जाए भारतीय इतिहास की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के बारे में, तो इसकी लागत 15,000 रुपये थी और ये मूवी 7 महीने में बनकर तैयार हुई थी। सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि इसमें डायरेक्शन, कहानी और एडिटिंग सब कुछ दादा साहब फाल्के ने स्वयं ही की थी। फिल्म को 3 मई 1913 को गिरगांव के कोरोनेशन सिनेमा में रिलीज किया गया। राजा हरिश्चंद्र की ये पहली फिल्म थी। पहले दिन फिल्म ने महज 3 रुपये कमाए, जबकि टिकट का दाम था 4 आना। फिल्म की कमाई देख थिएटर का मालिक नाराज हो गया। थिएटर मालिक ने दादा से कहा कि या तो वो फिल्म उतार दें, या फिल्म की लेंथ बढ़ाएं, या टिकट के दाम और कम कर दिए जाएं। लेकिन दादा राजी नहीं हुए। इसके बाद दादा ने अखबारों में एक विज्ञापन दिया। इसके बाद फिल्म की कमाई 300 रुपये तक जा पहुंची। जब फिल्म की लागत नहीं निकली तो उनकी मदद के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आगे आए। तिलक ने लोगों से अपील की कि वे ये फिल्म देखें। उनके कहने भर से सिनेमा घरों में भीड़ टूट पड़ी। कुछ ही दिनों में फिल्म की लागत निकल गई और फायदा भी हुआ। इसके बाद दादा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि 73 साल की उम्र में 16 फरवरी 1944 को दादा साहब फाल्के का निधन हो गया। आज भारतीय सिनेमा जिस मुकाम पर है उसकी नींव दादा साहब फाल्के ने रखी थी और भारतीय सिनेमा इतिहास में दादा साहब फाल्के का नाम हमेशा अमर रहेगा।